Hey guys, in this video I am gonna show you new iOS sim job के Redmi phones को iOS में convert कर सकता है। तो इस वीडियो में आप मैं वो सब दिखाने वाला हूँ, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे अप्लाई करना है और समथिंग ऑल वगैरह, इसका सब फीचर बता दूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हुए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए। और इससे भी पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं iOS के रिलेटेड, तो आप वो भी प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैंने थीम अप्लाई कर रखा है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं सेटिंग की। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन्स वगैरह पूरे चेंज देखने को मिल जाते हैं, जो नेम भी जो फॉन्ट है वो भी अलग चेंज हो जाता है, तो आइकॉन्स भी वगैरह मतलब अलग हो जाते हैं। उसके एप्पल का जो भी इतना लोगो वगैरह है, मतलब जैसे एप्पल में दिया वैसे सेम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मिल जाता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये। नाउ टू टॉक अबाउट नोटिफिकेशन पैनल और स्टेटस बार, यहाँ पे जो स्टेटस बार दिया है वो पूरा ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, मतलब पीछे जो मतलब ब्लरी दिखता है और आगे जो ग्रीन कलर में मतलब उसके जो आइकॉन्स है वो देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर उसको टैप करेंगे तो मतलब वो ग्रीन कलर में हो जाएगा और नॉर्मल तो वो ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ये मुझे फीचर लगा, मतलब ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा नॉर्मल। जितने भी अभी तक मैंने iOS की वीडियो बनाए उसमें से तो मुझे ये वाला थीम थोड़ा अच्छा लगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। डायलर पैड की बात करेंगे तो जो कि नॉर्मल थीम से देखने को मिल जाता है iOS के, वही सेम डायलर पैड देखने को मिल जाता है ये वाले थीम में भी, सेम iOS वाला मतलब डायलर पैड देखने को मिल जाता है, जो कि पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था। नाउ टू टॉक अबाउट लॉक स्क्रीन, तो अब इसको मैं कर देता हूँ लॉक एंड इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे इतना कुछ खास इंटरफेस देखने को नहीं मिल जाता है, मतलब खाली वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इसको स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन पैनल वाले जो आइकॉन से मतलब नॉर्मली मिलते हैं हमें देखने के लिए, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये वाले देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ ये नहीं कहा ये वर्क नहीं करते, ये सब एक्चुअल में वर्क करते हैं, मैंने खुद ट्राई किया है, तो काफ़ी अच्छा है ये वगैरह ऑप्शंस मतलब देखने को मिल जाते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक मिलता है हमारे फ़ोन को, तो ज़रूर ट्राई करना इस स्क्रीन को। रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ लैग वगैरह नहीं होता, काफ़ी अच्छा, मैं इसे खुद एक दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।